नहीं अलीसम आमिने कोई दुनिया में खुदा मिला है इसी देवता के संगत में, खुदा मिला है इसी देव के संगत में, बस और इसके सवार अली को क्या कहता, खुदा का डर है अली को, खुदा क्या कहने, वाह वाह खुदा का डर है अली। फलक नीचे नजर आने लगा है, अली इतने उठाए जा रहे हैं, अली इतने उठाए जा रहे हैं, कहीं है वारिसे अनवार रहबर, कहीं है वारिसे अनवार रहबर, कहीं सीने जलाए जा रहे हैं, कहीं सीने जलाए जा रहे हैं। उधर जन्नत से कंबर ने पुकारा, दरे जन्नत से कंबर ने पुकारा, अली वाले बुलाए जा रहे हैं, अली वाले बुलाए जा रहे हैं। ये सीना है आजादारों का सीना, ये सीना है आजादारों का सीना, जहां तमगे लगाए जा रहे हैं, जहां तमगे लगाए जा रहे हैं। ये मिट्टी करबला की है और इससे, ये मिट्टी करबला की है और इससे मेरे बाजू बनाए जा रहे हैं, मेरे बाजू बनाए जा रहे हैं। और वो मिंबर है मेरे मौला का मिंबर, वो मिंबर है मेरे मौला का मिंबर, जहां गासे बिठाए जा रहे हैं, जहां गासे बिठाए जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले तमाम मोमिनीन की जाति बराए करम मजलिस का आगाज हो चुका है। आप तमाम हजरात पर तशरीफ ले आए, मैं इल्तमास कर रहा हूँ जनाब जीशान साहब से की तशरीफ ले आए, इनके इस्तकबाल में एक बावाज़े बुलंद सलवात अदा करवा दें। वरना कहेंगे लोग के जाहिल ही मर गया। आया है वो रसूल सरे फर्श नंगे पैर, जो जूतियों को पहने हुए अर्श पर आया है वो रसूल सरे फर्श नंगे पैर, जो जूतियों को पहने हुए अर्श पर गया। चार कि बेखबर हो के जमाने की सभी यादों से, बेखबर हो के ज़माने की सभी यादों से, दी के सुल्तान तेरी याद में खो जाते हैं, और दिल जो कहता है चलो ख्वाब में जन्नत देखे, हम मज़ा खाने की दहलीज पर सो जाते हैं। दिल जो कहता है चलो ख्वाब में जन्नत देखे, हम मज़ा खाने की दहलीज पर सो जाते हैं। अगर जहां में गमे करबला नहीं होता, अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, गमों का जोफ तो होता असा नहीं होता। अगर जहाँ में गमे करबला नहीं होता, गमों का जोफ तो होता असा नहीं होता, वहाँ ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, वहाँ ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं, वहाँ ख्याले मोहम्मद में आ रहे हैं, जहाँ खुदा के सिवा दूसरा नहीं।
कि दस्ते शब्बीर पाए स्वास्ते असगर निकले, दस्ते शब्बीर पाए स्वास्ते असगर निकले, हो जो सूरज वो भला कैसे जमीन पर निकले। दस्ते शब्बीर पाए स्वास्ते असगर निकले, हो जो सूरज वो भला कैसे जमीन पर निकले। मिल गई फित्र से आसी को नजाते कामिल, मिल गई फित्र से आसी को नजाते कामिल, तो वहाँ छीने गए थे यहाँ पर निकले। मिल गई फित्र से आसी को नजाते कामिल, मिल गई फित्र से आसी को नजाते कामिल, जो वहाँ छीने गए थे वो यहाँ पर निकले। करबला से हुआ इस्लाम हुसैनी इस्लाम, करबला से हुआ इस्लाम हुसैनी इस्लाम, जो हुसैनी नहीं इस्लाम से बाहर निकले। करबला से हुआ इस्लाम हुसैनी इस्लाम, जो हुसैनी नहीं इस्लाम से बाहर निकले। मैं जाहिद साहब से तमाश कर रहा हूँ, जनाब जाहिद साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिश्रा वादा है जिंदगी बतौर की उस वादे के लिए, कल होगा वहां फिर जरूर उसी के से फैला सकता हूँ। जिक्र हुसैन पाक है जीना मेरे लिए, काम आएगा हुसैन पाक मरना मेरे लिए, काम आएगा हुसैन पाक मरना मेरे लिए। दस्ते बला में हंस के कहा ये शरीर में, दस्ते बला में हंस के कहा ये शरीर में, है लश्कर जीत तमाशा मेरे लिए, है लश्कर जीत तमाशा मेरे लिए। जन्नत की हूरें कहती हैं आपस में बार बार, जन्नत की हूरें कहती हैं आपस में बार बार, है जिंदगी बतूल की उसवा मेरे लिए, है जिंदगी बतूल की उसवा मेरे लिए। सजदे को तू देके कहा ये रसूल ने, सजदे को तूल देके कहा ये रसूल ने, है जान से जी नवासा मेरे लिए, है जान से जी नवासा मेरे लिए। जलती जमीन के कहा सर हुसैन ने, जलती जमीन के कहा सर हुसैन ने, प्यारा बहुत है सजदा मेरे लिए, प्यारा बहुत है सजदा मेरे लिए। जहरा ने खुद कहा है उसे है कहाँ नजात, जहरा ने खुद कहा है उसे है कहाँ नजात, सीने में जिनके रहता है कीना मेरे लिए, सीने में जिनके रहता है कीना मेरे लिए। जाहिद बहुत अजीज है दुनिया को ये बताओ, जाहिद बहुत अजीज दुनिया को ये बताओ, घर में अल्लाह का फर्श बिछाना मेरे लिए। परवाज़े तख़य्युल
मीज़ान अता कर परवाज़े तख़य्युल को वो मीज़ान अता कर परवाज़े तख़य्युल को वो मीज़ान अता कर मौला मुझे सलमान सा ईमान अता कर मौला मुझे सलमान सा ईमान अता कर आका इरफान अता करे अब्बास के रहबर का इरफान अता करे जिसमें खुदारी हो नहीं सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें खुदारी हो नहीं सकती जिसमें खुदारी हो नहीं सकती उसमें दीदारी हो नहीं सकती उसमें दीदारी हो बुजुर्गों से गुजारिश है कि सामने आ जाए सलवात पढ़ जाए मोहम्मद आले मोहम्मद पर जिसमें खुदारी हो नहीं सकती उसमें दीदारी हो नहीं सकती तो जैसे है दर्द करके दिखलाई जैसे है दर्द करके दिखलाई ऐसी सरदारी हो सकती ऐसी सरदारी हो नहीं सकती तो फर्श मजलिस पा रोने वालों से बतौरे खास फर्श मजलिस पा रोने वालों से फर्श मजलिस पा रोने वालों से लोग मकारी हो सकती और शहीद की बारगाह में शेर के मकसद कई बिला मकसद कई बला विलायत है मकसद कई बला विलायत है मकसद कई बला विलायत है मुझ
से गदारी हो नहीं सकती, और जो विलायत के हो गए मुनकिर, जो विलायत के हो गए मुनकिर, ऐसों से यारी हो नहीं सकती, ऐसों से यारी हो नहीं सकती, और जिस इबादत में हो ना जिक्र अली, जिस इबादत में हो ना जिक्र अली, जिस इबादत में हो ना जिक्र अली, रब को वो प्यारी हो नहीं सकती, रब को वो प्यारी हो नहीं सकती। वो आ गई है जो लड़ने है से, आ गई है जो लड़ने है दर से, नेक वो नारी हो सकती, आ गई है जो लड़ने है दर से, नेक वो नारी हो नहीं सकती। और ये शेर बतौर खास के, जिसके दिल में अली हो उसको कभी, जिसके दिल में अली हो उसको कभी, दिल की बीमारी उसको कभी, जिसके दिल में अली हो उसको कभी, दिल की बीमारी हो नहीं सकती। और जो उठाते हैं परचमे अब्बास, जो उठाते हैं परचमे अब्बास, जो उठाते हैं परचमे अब्बास, उनमें गदारी हो नहीं सकती, उनमें गदारी हो नहीं सकती। और जिसको है दर समझ ना आयश की, जिसको है दर समझ ना आयश की, वो समझदारी हो नहीं सकती। अब मैं इस हमसाय मजलिस की आखिरी मजलिस को खिताब करने के लिए बड़े अदब और एहतराम से तमाज कर रहा हूँ। अल्लामा आबिद सादिक जलील साहब की बारगाह में आए और इस मजलिस को खिताब करूँ। इनके इस्तकबाल में एक बार बुलंद सलावात की तमाज।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات بزرگان ملت بار باب اعزہ خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت سرکار شہید ثالث سلسلے کی آج کی پانچویں اور آخری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قبل اس کے کہ حدیث معصوم کے صدقے میں گفتگو جاری کی جائے بسم اللہ کی جائے, اس سے پہلے ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس کے بعد نوحہ اور زیارت کے بعد جن ازاد کے پاس پانچوں ٹوکن ہوں وہ اپنا نام آج ہی درج کرا دیں. کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جیسے مجلسیں شروع ہو رہی ہیں ایسے کل انشاءاللہ شب میں ٹھیک 7 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ بسلسلہ شب ولادت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, وقت کے اندر ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 8 بجے میں تقریر کے تمام ہو جائے گی. 1 گھنٹے کی کل شب میں محفل ہوگی. تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے ایک بلند ترین صلوات عنایت فرمائیں. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علی مولا ہے. عزیزان گرامی, قرآن کی روح سے 3 مولا ہیں, قرآن کی روح سے 3 مولا ہیں. نہ جانے کیسے لوگ شیعوں پہ یہ الزام رکھ دیتے ہیں کہ ہم 3 کو نہیں مانتے. جو پہلے مولا کو نہ مانے اس سے بدترین کوئی نہیں, جو دوسرے مولا کو نہ مانے اس سے بدعقل کوئی نہیں, اور جو تیسرے مولا کو نہ مانے اس سے بڑا کائنات میں کوئی ذلیل نہیں. قرآن کی روح سے 3 مولا ہیں, 3 ولی ہیں. پہلا ولی ہے خالق کائنات, دوسرا ولی ہے سرور کائنات, تیسرا ولی ہے مولا کائنات. صلوات بھیجے محمد والا. انشاءاللہ مجلس آج کی بھی وقت کے اندر ہو جائے گی. کل تھوڑی چند منٹ طولانی گفتگو ہو گئی تھی, معذرت چاہتا ہوں, اور ماتم بھی ہونا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کی روح سے 3 مولا, پہلا مولا پروردگار, دوسرا مولا رسول عربی, تیسرا مولا میرا مولا علی. اب کوئی چوتھا مولا نہیں ہے, یہ بات واضح ہے. قرآن کی روح سے 3 مولا ہیں, یا پروردگار, یا اس کا آخری نبی محمد, یا میرا مولا علی. مگر کائنات میں جو یہ 3 مولا کو دل سے قبول کرتے ہیں ان کے منہ سے کہیں نہ کہیں ایک نام کے ساتھ مولا نکل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کو مولا مانتے ہیں, جو لوگ آخری نبی کو مولا مانتے ہیں, جو لوگ علی کو مولا مانتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنی مشکلوں میں مشکل کشا کے علاوہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو شیعوں کے زبان پر ایک نام کے ساتھ مولا آ جاتا ہے. وہ نام نامی اس میں گرامی ہے باب الحوائج کا, عباس دلاور کا. اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا مولا عباس, مولا عباس. یہ مولا کیوں کہے جاتے ہیں؟
ये इसलिए कहे जाते हैं कि जो कदीर का तीसरा मौला है, इसकी सीरत उसकी सीरत है, इसकी सूरत उसकी सूरत है, इसका जमाल उसका जमाल है, इसका कमाल उसका कमाल है, इसका चेहरा उसका चेहरा है, इसका खून उसका खून है, इसकी आदत है, इसका खुतबा उसका खुतबा है, इसकी शुजात उसकी शुजात है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब्बास की शुजात मौला अली से इतनी मिली कि नैयर सिरसिवी मरहूम को कहना पड़ा, एक कलम हजरत अब्बास की मिदहत लिख दे, एक कलम हजरत अब्बास की मिदहत लिख दे, सर झुका और मेरे ममदू की अजमत लिख दे, पढ़ के नादी अली तफसीर शुजात लिख दे, पढ़ के नादी अली तफसीर शुजात लिख दे, जो किसी ने ना लिखी हो वो फजीलत लिख दे, बैत मुलाजा हो जो किसी ने ना लिखी हो वो फजीलत लिख दे, सुर्खियां है बंदे अब्बास से धानी हो जाए, घूर के दे के पहाड़ों को तो पानी, सुर्खियां है बंदे अब्बास से धानी हो जाए, घूर के दे के पहाड़ों को तो पानी हो जाए। छह में से और मुलाजा हो, शायर कहता है कि अज़्म कहता है कि अजमत भी अली जैसी है, अज़्म कहता है कि अजमत भी अली जैसी है, सब्र के साथ जलालत भी अली जैसी है, अज़्म कहता है कि अजमत भी अली जैसी है, सब्र के साथ जलालत भी अली जैसी है, हाथ बतलाते हैं जरबत भी अली जैसी है, जंगे सफीन नवा है, हाथ बतलाते हैं जरबत भी अली जैसी है, सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी अली जैसी है, बैठ बुलाना हो सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी अली जैसी है, हूं बहू खालिक अकबर के वली लगते हैं, बंद आंखों से भी देखो तो अली है। कमाल लखनवी मरहूम के चंद से सुनते चंद यह बात आ गई है काजी की, चूंकि शहीद साजिश को जनाबे जहरा ने अपना बेटा कहा, मौला अब्बास तो थे ही उनके बेटे, कमाल लखनवी मरहूम फरमाया करते थे, चला है दिल बरे उम्मुल मनी सुए दरिया, चला है दिल बरे उम्मुल मनी सुए दरिया, है इश्तियाक में मौजे ज़ियारती की तरह, चला है दिल भरे उम्मुल मनी सुए दरिया, है इश्तियाक में मौजे ज़ियारती की तरह, कलीम ताकत दीदार की दुआ मांगो, कलीम ताकत दीदार की दुआ मांगो, जमाले हजरत अब्बास है अली की तरह, कलीम ताकत दीदार की दुआ मांगो, जमाले हजरत अब्बास है अली की तरह, बहकना चाहे नुसैरी कहीं खुदा न करे, बहकना चाहे नुसैरी कहीं खुदा न करे, अली के घर में
मौलाना नासिर अब्बास जरवली साहब को कि जो अपने वतन के बच्चों को दर्ज दिया करते हैं, मदरसा लगाते हैं। पहले जो मदरसा चलता था उसमें भी, आज जो फैज आलम साहब मदरसा पढ़ा रहे हैं उसमें भी, और मरते दम तक दीनियात की एक किताब है जो बदली नहीं जा सकती, उसमें क्या लिखा है बच्चे जानते होंगे, गवाही देंगे, पढ़े हैं, और जो पढ़ चुके बड़े हैं वो भी जानते हैं, एक दीनियात की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि अगर दो खुदा होते, एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसको कहते हैं अहले बैत का सच्चा चाहने वाला, इसको कहते हैं अहले बैत की मारिफत रखने वाला। अच्छे अच्छे नूर के बाद अंधेरों में बहक जाते हैं, मगर अली वाले जानते हैं कि अंधेरों से निजात पाना है तो अली को पुकारा जाए। ये जो इतने नारे लगे ये सब ईमान का सौदा है। पहली मजलिस में कह चुका कैसा अंधेरा कैसी रोशनी, जिसका जिक्र हो रहा है इससे बड़ा नूर ना दुनिया में कोई था ना है, जो खुदा के नूर से खल्क हुआ, और जिसके शहादत की मजलिसे हैं उसका नाम ही नूरुल्ला शूस्त्री है। नूरुल्ला की मजलिसे हैं, मौला अली के नूर का जिक्र है। तवज्जो है ना, जब कोई दूर जाता है आने में देर होती है तो हम लोग नाम लेके कहते हैं या अली शेर खलीक भाई को लाइए घेर। जब लाइट आती है तो माए बच्चों से कहती है बेटा घबराओ ना अंधेरे से, दुआ मांगो, पुकारो मुश्कुशा को, याली शेर बिजली को लाइए घेर। इतने आपने नारे लगाए हैं, हम लोग जिक्र अहले बैत में ये पावर हाउस के नूर के मोहताज नहीं है, अल्लाह के दिए हुए नूर के मोहताज हैं। क्या है दीनियात की किताब में एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर दो खुदा होते तो आपस में क्या होता, झगड़ा। झगड़ा यानी बवाल, बवाल यानी लफड़ा, लफड़ा यानी इख्तलाफ। कायनात का निजाम संभाले ना संभलता। दीनियात की किताब में है, सबने पढ़ा होगा बचपने में, अगर दो खुदा होते तो आपस में झगड़ा होता, आओ हमारे पास। क्या कहने, क्या कहने, दुनिया हमसे मिले, हम चार खुदा दिखाते हैं, चार कोई इख्तलाफ नहीं। पहला खुदा अली का और हमारा खुदा माबूद हकीकी, दूसरा खुदा नुसैरी का खुदा अली, तीसरा खुदा सब्र का खुदा हुसैन। पहला खुदा, पहला
हुसैन, चौथा खुदा वफाओं का खुदा मौला अब्बास। कभी कभी इन चारों में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी इन चारों खुदा ने आपस में इख्तलाफ नहीं किया। वफाओं के खुदा ने भी उस खुदा को सजदा किया, सब्र के खुदा ने भी उस खुदा को सजदा किया, नुसैरी के खुदा ने भी उस खुदा को सजदा किया। खुदा की वजह से नमाजें नहीं आए, अहले बैत के सजदों से नमाजें आए। पहचाना जाता। बुजुर्ग समझ गए होंगे कि मैंने हक हक से पूर्व जुमला कहा है। बच्चों को समझाने के लिए खुदा ने खुद कहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यानी अल्लाह अपने को पहचानवाने के लिए अहले बैत को बना रहा है। दुनिया कहती है अल्लाह को पहचानो, अल्लाह कह रहा है हमें यूं नहीं पहचान पाओगे, हमें पहचानवाने वाले अहले बैत हैं। तो जो अल्लाह को पहचानवाए उसे अली कहते हैं, जो अल्लाह को पहचानवाए उसे फातिमा कहते हैं, जो अल्लाह को पहचानवाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जो अल्लाह को पहचानवाए उसे हसन कहते हैं, जो अल्लाह को पहचानवाए उसे हुसैन कहते हैं। ए मीरगंज के अजाए हुसैन के मेंबरों, अचेरे से आए हुए जुल्फिकार हेजी में मातम करने वालों, बरवे से आए हुए अंजुमन हुसैनी में मातम करने वालों, अल्लाह की जिनसे पहचान है उन्हीं से हमारी भी पहचान है। जिन्होंने अल्लाह को पहचानवाया हम उसी हुसैन के आजादार कहलाते हैं। जिस अली ने अल्लाह को पहचानवाया, इंशाल्लाह कल ठीक 7 बजे से 8 बजे तक एक घंटे की महफिल होगी शबे विलादत, आप शरीक होंगे। जनाबे सैयदा की खुशी है, दो लोगों से शदीद गुजारिश है, दो लोगों पे जोर दे रहा हूं। एक वो कि जो सैयद हो कल जरूर आए, क्योंकि जनाबे सैयदा की मजलिस है, महफिल है, कल की महफिल शबे विलादत जनाबे सैयदा की है। जो सैयद है वो जरूर आए, और अगर कोई बना सैयद है वो जरूर आए। पहचान बता रहा हूं कि हम सैयद हैं, जनाबे सैयदा की महफिल में ना रहो तो कैसे सैयद हो। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इतना गौर नहीं कर पाता जितना हम लोग बुलंदी से गौर करते हैं।
जब लानत होती है तो आगे वाले मुरव्वत में फंसे फंसे बेशुमार बेशुमार कुछ लोग डंडी मारते हैं, नहीं बोले आहिस्ता बोले तो जनाबे सैयदा के दुश्मनों पर लानत अगर पहले भिजवा दी गई होती तो लाइट पहले ही आ जाती, क्योंकि हदीसों में मिलता है रवायतों में मिलता है कि जब मुश्किल से मुश्किल कोई वक्त आ जाए तो मौला अली को पुकारना तो इबादत है, मुश्किल कुशा है, मुश्किल हल करते हैं। मगर हदीस मासूम में यहां तक मिला कि अगर कोई शदीद मुश्किल में हो तो अली को पुकारे तब भी मुश्किल हल, अगर इमरजेंसी हो तो इन्हें के दुश्मन लानत किया करो। शैतान के आने पर लाहौर भेजा जाता है। तो अजीजों क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत, आप ये देखें कि अंधेरा आप लोगों को नहीं थका पाया, जैसे रोशनी में आपने मजलिस सुनी वैसे ही अंधेरे में सुनी, अंधेरा आपके नारों से थक के वापस चला गया, आ गई बिजली। अब जब आ गई है तो बस एक मिनट के अंदर की इजाजत आपसे चाहता हूं, अलग की बात है आना नहीं चाहता था मगर मजबूर हूं। यह क्या है, बल्ब में करंट है, कहां से सप्लाई हो रहा है, पावर हाउस से। आप बिजली का बिल अदा ना करें क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन आता है कनेक्शन काट देता है, यही तो होता है। यानी आप नूर इस्तेमाल करें, दुनियावी नूर बंदों का बनाया नूर आप इस्तेमाल करें, उसकी उंगलियां ना दें तो कनेक्शन का क्या होता है। अब समझ में आया ये हाफिज़े कुरान अंधा क्यों होता है। अल्लाह ने आंखों में नूर किस लिए दिया है, अगर पढ़ू तो एक खमसा और चाहिए, मुख्तसर यूं सुनिए, आंखों को इस्तेमाल क्या है, देखने के लिए, देखने के लिए। कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। मौलाना खलील अहमद साहब मुझसे बुजुर्ग है, पूछ लीजिएगा कभी, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, कुरान देख के पढ़ो। ये किसी आलिम का हुक्म नहीं है, किसी अल्लामा का आदर नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो ताकि गलत ना पढ़ो, कुरान देख के पढ़ो। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया है देख के पढ़ो, और जब कोई हिफ्ज कर रहा है तो अब देखने की जरूरत नहीं, अल्लाह भी नूर वापस लेता है। कि जब तुम हाफिज़े कुरान हो गए तो नूर आंखों का खुदा हाफिज हो गया। तो अजीजाने गिरामी, अब कुरान में 6666 आयतें, 114 सूरे, 30 पारे। रसूल फरमाते हैं आखिरी नबी जिसको अल्लाह ने ताहा यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर रहमतुल आलमीन हबीब के अल्फाज से पासा, उस आखिरी नबी की हदीस सुनिए। रसूल अल्लाह फरमाते हैं एक हदीस में कि कुरान का कानून है कि तुमने कुरान में जो आयत पढ़ी और अगर उस पर अमल ना किया तो आयत उस पर लानत करती है। मसलन नमाज इबादत है, हमने कुरान में पढ़ा इबादत ना की
तो वो आयत हम पर लानत करेगी। हमने जकात वाली आयत कुरान में पढ़ी, जकात ना दी, वो आयत हम पर लानत करेगी। हमने जालिमीन पर लानत वाली आयत पढ़ी, जालिमीन पर लानत ना की, वो आयत हम पर लानत करेगी। तो जब कुरान का कानून ये बना कि जो मुसलमान जो आयत पढ़े उस पे अमल न करे तो वो कुरान की आयत उस बंदे पर लानत करती है, तो इन मुसलमानों से पूछूंगा क्या खतीर की आयत कुरान में नहीं आए? तो जब हर आयत लानत करती है तो जो खतीर वाली पढ़ता होगा अली को मौला नहीं मानता होगा, तो वो आयत उस पर लानत करती होगी। अच्छा लानत, आज एक बात को मुकम्मल कर दूं उसके बाद मुख्तसर करूं गुफ्तगू कि लानत कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि लानत हम कभी भेजते नहीं। आबिस जरवली इस लायक है ही नहीं, मैं खुद अपनी निगाह में आपकी निगाह में मोतबर हूं कि ताहिर जरवली साहब का बेटा हूं, इमाम हुसैन का जाकिर हूं, मगर मैं अपनी निगाह में इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे पर लानत करूं। मैं इस लायक ही नहीं, मेरा किरदार इस टाइप का नहीं है कि मैं किसी पर लानत करूं। तवज्जो है ना? अब अगर मैं किसी पर लानत करूं तो लानत क्या चीज है? बहु सुन लीजिए, मेहनत सुवारत हो। अल्लाह ने लानत के फजाइल बयान किए हैं, नबी ने पेशीन गोई भी की है लानत के लिए, और लानत की क्वालिटी बयान की है कि लानत वो चुंबक है कि जो लकड़ी पे नहीं चिपकती लोहे पे चिपकेगी। लानत वो इबादत है कि अगर हमने किसी पर की और वो वैसा नहीं है। अब मिसाल किसके नाम से दूं? ऐसे के नाम से दूं जो बुरा ना माने। शकील भाई का नाम लूंगा बुरा मान जाएंगे, शायरों के मिजाज नाजुक होते हैं। अपने उस्ताद के नाम से मिसाल दे रहा हूं, खुदा ना करे मैंने इन पर लानत भेजी किसी मसले में, अगर वो जुर्म इन्होंने नहीं किया है, जैसे मैंने कहा झूठे पर लानत, तो अगर ये झूठे नहीं है तो अल्लाह कहता है वो लानत तुम पे पलटेगी। हमने कहा जालिम पर लानत, अगर असलम भाई जालिम नहीं है तो वो लानत हम पर पलटेगी। इसीलिए हम अपनी लानतें नहीं करते, हम कहते हैं दुश्मने जहरा पर, दुश्मने जहरा पर आप इसकी लानत नहीं, बल्कि हम कहते हैं दुश्मने जहरा पर खुदा की लानत। हम कहते हैं मुनकरे विलायत पर खुदा की लानत। हम कहते हैं कातिलाने हुसैन पर खुदा की लानत। न खुदा जालिम हो सकता है, न खुदा में कोई कमी हो सकती है, हम खुदा की लानत भेजते हैं। जालिमीन पर खुदा की लानत, गासिबीन पर खुदा की लानत। अच्छा ये तीन आपको कुरान में मिल जाएंगे। मैं अपने कहे हुए जुमले का जिम्मेदार हूं, किसी की समझ का नहीं, कहीं और ना पहुंचाइएगा, सर्दी बहुत है, किसी और तरफ ना जाइएगा, जो कहूं उतना समझिएगा। तीन कुरान में मिल जाएंगे, झूठे गासिब जालिम। अल्लाह क्या कह रहा है? झूठों पर लाना। अल्लाह भेज रहा है झूठों पर लाना। अल्लाह क्या कह रहा है? गासिब पर लाना। अल्लाह क्या कह रहा है? जालिम पर लाना। अब हमने दुनिया में सर्वे किया, हमने कहा सबसे बड़ा झूठा तो वही है ना जो अली की विलायत के लिए झूठ बोले। हमने इसी झूठे पर लानत की। और जब हमने गासिब ढूंढा तो सबसे बड़ा गासिब हक के जहरा में मिला, तो हमने उस पर लानत की।
دین کا لشکر ملا، ہم نے اس پر لعنت کی۔ ابھی شکیل صاحب نے ایک شعر پڑھا، سارے شعر لاجواب تھے، میں اپنے مطلب کی بات لیتا ہوں، شعر سب اچھے تھے مطلب سے مقصد تک، مگر ایک شعر میں پڑھا کہ یاری نہیں، یاری نہیں اچھی۔ یار کے معنی کیا ہیں؟ لوگ آپس کے جو دوست ہوتے ہیں منہ لگے، لنگوٹی یار، بچپنے کے کھیلے ہوئے، کہتے ہیں یہ میرے یار ہیں، یہ میرے یار ہیں۔ مسلمانوں کا عجب عقیدہ ہے، مسجدوں پہ نام لکھے تو چار، جب تم تین عقیدت رکھتے تھے تو ایک نام بڑا کیسے؟ ہماری مسجدوں پہ نام ہے پانچ، انہوں نے چار لکھے، ہم نے پانچ لکھے، مگر ہمارے جو پانچ نام ہیں مسجدوں پر، ان چاروں میں ایک وہی ہے جو ہمارے میں بھی ہے، تین فالتو ہیں، توجہ ہے نا۔ اب ہم نے پوچھا یہ چار کون ہیں؟ کہ چار یار ہیں۔ ہم نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ ہم چار یاری ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو بات پکے ہو گئے نا کہ آپ کے چار، اہل بیت کے غلاموں کے پانچ، تو کیا آپ جن کو مانتے ہیں برا وقت پڑ جائے تو اپناؤ گے؟ کہا اپنائیں گے۔ ہم نے کہا ہم تو 24 گھنٹے اپناتے ہیں، پانچ پانچ ہم پنجتنی۔ ہم نے کہا آ جاؤ کسی میدان میں، مباہلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہماری ماں کہے گی ہمارے پنجتن، ہماری بٹیا کہے گی ہمارے پنجتن، ہماری بہنیں کہیں گی ہمارے پنجتن۔ اگر تم میں دم ہو تو میدان میں آ کے کہو، تمہاری اما کہے تمہاری اما کے چار یار، تمہاری بٹیا کہے کو ماننا کیا ماننا، کہ جس کو وقت پڑے تو اپنائے نا، جس کو اپنائے نا، ایسوں کو مانو کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، جس کے شان میں آئے تتھیل نہیں تھی، توجہ ہے نا۔ بس زحمت مختصر کر، علی اور فاطمہ کائنات کے وہ دولہا اور وہ دلہن، کہ ایسی شادی نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی، چونکہ یہ شہید ثالث کی شہادت کی تاریخ میں آج پانچویں مجلس ہے، تو اگر شہزادی کونین کا تذکرہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، جبکہ کل محفل بھی ہے۔ میں میٹر بچاتا نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کے عقد کے مسئلے میں اللہ نے ستارے کو بھیجا، تو دو شخصیتوں کا ذکر کر کے مسائل پہ آ رہا ہے۔ جناب عقیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب مسلم کے والد، مولا علی کے سگے بھائی، پہلا عقد علی نے کیا تو انتخاب کیا اللہ نے، یعنی عقد فاطمہ اور علی جو ہوا یہ انتخاب تھا خدا کا۔ جناب عباس کی والدہ سے جو عقد ہوا وہ انتخاب تھا عقیل کا، وہ اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کیا عقیل نے، مولا علی نے حق دیا کہ عقیل ایسے خاندان کی کوئی شجاع عورت بتاؤ کہ جس سے ایسا بیٹا ہو کہ جو غازی بنے، شجاع بنے، حسین کے کام آ جائے۔ تو ام البنین کے گھر کا پتہ عقیل نے بتایا، ہمیں نہیں پتا علی چاہتے کیا تھے، مگر دنیا کو اپنے بھائی کی معرفت کرا رہے تھے کہ جب علی پہلا عقد کرتا ہے تو خدا انتخاب کرتا ہے، جب علی کا دوسرا ہوتا ہے تو عقیل انتخاب کرتا ہے۔ نتیجے میں مولا عباس کی ولادت ہوئی، کس لیے؟ تمنا کی، مولا کی، مولا علی نے مولا عباس کی تمنا کیوں کی؟ تاکہ کربلا میں حسین کے کام آئے، کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ جب امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے
तो जनाब अब्बास ने मियान से तलवार बर है ना की, तो मौला हुसैन ने कहकर रोका, भैया तुम्हारी तुम्हारे बाबा ने करबला के लिए की, हर मौके पर उठते रहे। दो मुहर्रम आ गई, खेमे नब्ज हो गए करबला में, किसी जालिम ने एक आवाज दी कि अब्बास हुसैन के खेमे तराई के किनारे से हटा लिए जाए। शेर को जलाल आ गया, जनाबे फिजा खेमे में आई, जनाबे जैनब से कहा अली के शेर को गैज आ गया। अभी ये बात फिजा की तमाम ना होने पाई थी कि मौला हुसैन तेज कदम के साथ जनाबे जैनब के खेमे में आए। कहा जैनब अब्बास को रोको, तुम अली की बेटी हो, मुश्किल कुशा की लगते जिगर हो, मेरी मुश्किल में काम आओ। जनाबे जैनब ने सर उठा के अपने भाई हुसैन को देखा और रोके जुमला कहा, भैया अब्बास तुम्हारा मुती है, अब्बास तुम्हारा फरमा बरदार है, कौन सा कहा है दुनिया में कि तुमने कहा हो अब्बास ने ना माना हो। कहे जैनब तुम सही कहती हो, जो कुछ मैंने कहा अब्बास ने माना, मगर इस वक्त मैं अब्बास को नहीं रोक सकता। कहा जैनब सुन लो। शहजादी जैनब ने कहा भैया बताओ। कहा जब हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीर बरसे तो मैंने कह के रोका कि भैया मेरे बाबा ने तुम्हारी तमन्ना करबला के लिए की है। जब वलीद के दरबार में मुझसे बैत का सवाल हुआ तो मैंने अब्बास को यह कह के रोका कि भैया तुम्हारी तमन्ना मेरे बाबा ने करबला के लिए की है। जब मुस्लिम के कत्ल की खबर रास्ते में मिली तो हमने अब्बास को यह कह के रोका कि मेरे बाबा ने तुम्हारी तमन्ना करबला के लिए की है। ए जैनब जब हूर ने मैंने नजामे फरज पे हाथ डाला तो मैंने अब्बास को यह कह के रोका कि मेरे बाबा ने तुम्हारी तमन्ना करबला के लिए की है। ए जैनब अगर मैंने अब्बास को अब रोका तो शायद मेरा भाई मुझसे सवाल करेगा कि आका अब तो हम करबला आ गए, अब क्यों रोकते हो। जैनब समझ गई, जनाबे फिजा को हुक्म दिया, ए मेरी अम्मा की कनीज फिजा दरे खेमा पे जाओ, गाजी को वापस लाओ। एक मरतबा जनाबे फिजा आई, आवाज दी, ए आका अब्बास बड़ी शहजादी ने याद किया है, गाजी को इतना जलाल आ चुका था कि फिजा की आवाज सुन ना सका। फिजा मायूस होकर खेमे में आई, शहजादी अब्बास नहीं आते। कहा देखो अली के शेर की गलती ना बताओ, ए फिजा बुलंद तरीन आवाज में पुकारो, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा भैया मेरा नाम सुने और खेमे में वापस ना आए। अल्लाह हु अकबर। वो अली मुर्तजा थे कि जिन्होंने डूबा हुआ सूरज पटाया, ये अली की बेटी जैनब थी जिसने बिखरे हुए शेर अली को वापस बुलाया। एक मरतबा फिजा फिर आई, चीख के आवाज दी, ये अली के लाल कयामत आ जाएगी। जैनब ने कहा है सर से चादर हटा दूंगी अगर वापस ना आए। जनाब अब्बास ने तलवार को जमीन की तरफ रुख किया, जमीन पर कद खींचा, रोके जुमला का है जालिमो अगर मौत प्यारी हो तो खत के उस पार आ जाना, अगर जिंदगी प्यारी हो तो खत के उस पार रुके रहना। मेरी शहजादी ने गुलाम को याद किया है, बड़ी तेजी के साथ उस खेमे के सामने आया अली का शेर के जिसमें जनाबे जैनब तशरीफ फरमा थी। कलमा शहादत की उंगली को उठाया मौला अब्बास ने, आवाज दी, अस्सलामु अलैके या बिंता अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन की बेटी आप पर गुलाम का सलाम। भाई ये सुनना था कि खेमे का पर्दा हटा दिया, जैनब अब्बास के इंतजार में बैठी थी, ऐसे हाथ फैला दिए जैसे कोई मां अपने जवान बेटे के इंतजार में बैठती है। अब्बास खेमे के अंदर गए, कहा अब्बास बैठ जाओ। जनाबे अब्बास ने कहा ए शहजादी मैं कभी आका के सामने नहीं बैठा, तो शहजादियों के सामने कैसे बैठ सकता हूं। शहजादी आप बैठ जाइए। जनाबे जैनब बैठ गई, कहा भैया अभी मेरा भाई हुसैन आया था, मुझसे कह के गया अब्बास को रोक लो।
ए अब्बास मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले, ए अब्बास मैं हुसैन से बहुत प्यार करती हूं। जनाब अब्बास ने सर झुका के कहा, शहजादी मैं जानता हूं आप मौला हुसैन को कितना चाहती हैं, मदीना छोड़ के आप चली आई। एक मरतबा का अब्बास, जब तुम यकीन रखते हो कि तेरी शहजादी हुसैन को इतना चाहती है कि अपने बीमार शौहर को छोड़ के मदीने में चली आई, तो भैया ये बताओ क्या मेरा कहा मानोगे। जनाब अब्बास ने रोके कहा, मैं जानता हूं आप क्या कहने वाली हैं, मगर शहजादी गुलाम पहले नहीं बोलेगा, आप हुक्म दीजिए। आप अब्बास नहीं डाल सकता। कहा, भैया हुसैन की मर्जी यह है कि खेमे तराई के किनारे से हटा लो। भाई ये सुनना था। एक मरतबा अब्बास बुलंद हुए, बस सुनो मजलिस तमाम है, अब्बास बुलंद हुए, अपनी तलवार उठाई, जनाबे ज़ैनब के चादर का सदका उतारा, जनाबे ज़ैनब की चादर का सदका उतारा, अपने घुटने पर तलवार रखी, दो हिस्सों में तकसीम की, जनाबे ज़ैनब के पैरों में डाल दी, खेमे के बाहर निकलने लगे। जनाबे ज़ैनब ने रोके कहा, ए भैया अब्बास अपनी तलवार तो लेते जाओ। एक मरतबा अपना सरो सीना पीट के कहा, ए शहजादी अब तलवार का क्या काम, अब तो खेमे हटाना है। खेमे के बाद अब्बास रोने लगे, अली अकबर आगे बढ़े, ए चचा रोने का सबब क्या है, क्या तुम्हारी फूफी ने हुक्म दिया है तराई के किनारे से खेमे हटा दिए जाए। अब्बास इसी दिन के लिए जिंदा रहा कि लगाए हुए खेमे अपने हाथों से तराई के किनारे से हटा ले। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।